सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शेख, आप देख रहे हैं डायमंड स्टडी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रोबोट 2.2, ये जो रोबोट 2 मूवी है, उसके अंदर कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हुए होंगे। तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। ये सारे आप मूवीज़ में देखते होंगे कि ये जो मोबाइल वगैरह का इफेक्ट, जो मोबाइल उड़ जाना, ये बनना, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बादल पे किस तरीके का इफेक्ट आ रहा है, कैसा आ रहा है, लोग नीचे गिर रहे हैं और जो है चिट्टी उसे पकड़ ले रहा है, और कई सारे यहाँ से निकाल के जैसे जीप वगैरह गिर रही है उसे बराबर सीधा कर रहा है, टेढ़ा कर रहा है, और जो आसमान में आप इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब थोड़े आसमान हो गया या फिर हवा में हो गया कि किस तरीके से ये इफेक्ट बन के आ रहा है, और ये मोबाइल उड़ जाना और सारे चीज़ या सारे परिंदे जो आसपास घूम रहे हैं, और ये जो टावर है आप देखते होंगे कि किस तरीके से वो बटन दबाते हैं, होलोग्राम का यूज़ करते हैं, बटन दबा के सारी चीज़ आ जाती है, हवा में सारा काम करते हैं, एक मोबाइल पर बटन दबाए तो सारी चीज़ हवा में फैल के आ रही है, जिस तरह से आप आयरन मैन मूवी में भी देखे होंगे। तो इस तरीके का सारा यूसेज कौन कौन से सॉफ्टवेयर में होता होगा, तो मेरे तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लेता हूँ मैं फ़ोटोशॉप, इसके अंदर उस मूवी का बैनर बना होगा, जो उस मूवी का पोस्टर होगा तो फ़ोटोशॉप में बना होगा, उसका थोड़ा बहुत तो फ़ोटोशॉप का काम उसमें आया होगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अडोब प्रीमियर वीडियो एडिटिंग के लिए, नॉर्मल लोग भी यूज़ करते हैं, हाई लोग भी यूज़ करते हैं, इसके अंदर सारा इफेक्ट जैसे क्या प्रीमियर में किस तरह से एडिटिंग, नॉइज़ वगैरह, वीडियो वगैरह, वॉइस वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, सारा एडिटिंग जो है अडोब प्रीमियर में काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, और मैं अपने तजुर्बे के हिसाब से आपको बता रहा। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सिनेमा 4D, यानी ये 4D में ये एनिमेटेड है, जैसा कि आपको कोई कार्टून बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, तो ये सॉफ्टवेयर में शायद बनेगा अच्छी तरह से, और काफ़ी सारा इसका यूज़ उसमें हुआ होगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अडोब आफ्टर इफेक्ट, जैसे भी सुपरमैन को हवा में उड़ाना है, हवा से ज़मीन पर लाना है, कोई भी चीज़ ऐसा कैच करना है, कोई भी चीज़ पलटा देना है, ये आफ्टर इफेक्ट का बहुत यूज़ होता है। जैसे कि आफ्टर इफेक्ट के यूज़ की बदौलत हम जो हवा में, वो जो मैं बताया जिस तरह से वो चेहरा बन के आया और वो हवा में मतलब लाइट बन के आई, होलोग्राम जैसे कि आप देखते हैं कि मैं बटन दबाया एक मोबाइल पर तो सारी चीज़ हवा में आ गई, जैसे कि आयरन मैन में, तो ये सारा आफ्टर इफेक्ट में भी बहुत सारा इसका यूसेज होता है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर में, जैसे कि आप नॉर्मली ये बहुत यूज़ होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि बड़े बड़े लोग इसे यूज़ करते हैं, इसमें कार्टून वगैरह बनाते हैं और वो कार्टून वगैरह का भी यूज़ होता है। देखो यहाँ पे आप इसका इमेज देख के ही समझ गए कि किस तरीके का इमेज यहाँ पर बता रहा है। ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी सारा काम होता है, यहाँ से सारे एनिमेशन, ये बहुत हज़ारों और लाखों के सॉफ्टवेयर है जो जिसे खरीद के यूज़ किया जाता है, और इसका इफेक्ट सारे मूवी वगैरह कार्टून वगैरह पे दिया जाता है। और भी कई सॉफ्टवेयर होगा जो कि रोबोट 2 में लगा होगा, तो आप अपने तजुर्बे से मतलब जो है वो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, और जो यूट्यूबर है वो उसके बारे में अगर जानते हैं कि और कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ हो तो वो और लोगों को बताए, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट बढ़ेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर से ये हो रहा है, ताकि उन लोगों में भी इंटरेस्ट आएगा कि यार ऑटोडेस्क से ये काम हो रहा है तो बहुत अच्छा बेहतरीन है, तो ऑटोडेस्क जो है वो सीखेगा। वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है था कि कौन कौन सी चीज़ कैसे यूज़ हो रही है, आज के जनरेशन में क्या क्या काम हो रहा है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर काम आ रहा है, वो सारा मैं आपको बताना चाहता था एनिमेशन के लिए। तो दोस्तों, जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।